I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign. ये लंदन में वॉलवर्थ एरिया है और यहाँ का ये मार्केट एरिया है। बट यहाँ पे देखो हेयर कट जो है 10 पाउंड का है, बल्कि कोलचेस्टर ज़्यादा महंगा लग रहा है मुझे लंदन से। यहाँ पे 10 पाउंड का हेयर कट हो जाता है, वहाँ पे 12 से 15 के बीच में हेयर कट होता है। लंदन से ज़्यादा महंगा कोलचेस्टर मुझे लग रहा है। रेडी होके अभी जा रहे हैं लंदन और टावर ब्रिज वगैरह या लंदन आई वगैरह देखेंगे, और मतलब आज लंदन टूर ही करने वाले हैं पूरा का पूरा। तो चलो आपको भी दिखाते हैं लंदन का जो भी साइट सीइंग है या वो सब। आज की वीडियो में यही सब रहने वाला। फाइनली टावर ब्रिज पे आ गया। ये यहाँ का मोस्ट पॉपुलर प्लेस जो है अट्रैक्शन में, साइट सीइंग में। मैं तो लास्ट टाइम भी आया था तो अच्छा ही था, अभी भी विंटर्स में भी अच्छा ही लग रहा है, नो डाउट। हमेशा ही यहाँ पे भीड़ रहती है, आज वैसे कम भीड़ लग रही है मेरे ख्याल से, वरना तो हमेशा ही भीड़ रहती है। और ये यहाँ का व्यू है, यहाँ से यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग फोटोज़ वगैरह क्लिक करते हैं। कितने सारे लोगों का ड्रीम होता है लंदन आना, ये देखो। मतलब इससे एक्चुअल में पता लगता है कि जितने भी लोग यहाँ पे आते हैं विदाउट पिक्चर क्लिक तो कोई जाता ही नहीं होगा, आई थिंक सो। आज का वेदर भी काफ़ी अच्छा ही हो रहा है, मतलब इतना विंटर्स में भी ठंडा इतना नहीं है, 9-10 डिग्री है। एंड दिस इज टावर ब्रिज। मेरे ख्याल से आज टावर ब्रिज का वो बंद है, मतलब ऊपर नहीं जा सकते आप, जहाँ पे साइट सीइंग के लिए ऊपर जाते थे लास्ट वीडियो जो। हाँ, यहाँ पे टिकट वगैरह सेल होता था लास्ट टाइम, मैंने यहाँ पे लाइन लगी थी बड़ी सी, और यहाँ से जाके फिर वहाँ से एक एंट्री है और एक एंट्री यहाँ से भी है शायद ना। कहाँ गए भाई, तुमसे ना हो पाएगा। और वो है मेन जो ग्लास वाला व्यू हो रहा, ये रहा, यहाँ से ग्लास से दिखता है सारा कुछ। और ये है एक्चुअल में ब्रिज जो ओपन होता है वो वाला, ये यहाँ पे, ये यहाँ से वाइड पार्ट ऐसे ओपन होता है। आज मेरे को लग रहा है इतना रश नहीं है यहाँ पे, अदरवाइज यहाँ पे बहुत रश होता है। मेरे ख्याल से कल शायद से क्रिसमस की वजह से बंद है तो। और यहाँ पे इस तरीके से ये लोग क्या क्या लगा था। सो ये है टावर ब्रिज पे ऊपर जाने के लिए टिकट्स वगैरह। अडल्ट के लिए 11.40, बाकी चाइल्ड के लिए, स्टूडेंट के लिए, और स्टूडेंट के लिए एक वैलिड आईडी देना पड़ेगा तो 8.6 का टिकट हो जाएगा आपका ऊपर जाने के लिए। ओ आई मेड द मिस्टेक, मैंने यहाँ पे स्टूडेंट वैलिड आईडी दिखाया नहीं था तो मैंने अडल्ट वाला टिकट लिया था 16 वाला, ये 11.40 वाला। और ये है पूरा, मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है। ये पूरा लंदन का मैप, काफ़ी पुराना लग रहा है ये बना हुआ। ये रिवर थेम्स, बंदा ऊपर चढ़ के फ़ोटो खींचते हुए। यहाँ से उबर बोट वगैरह जाती है, और उबर बोट प्लस में सिटी क्रूज़, ये जो है सिटी क्रूज़, और ये सारी सिटी क्रूज़ या उबर बोट जो भी है ये लेके जाती है आपको। वो वाला जो ब्रिज देख रहे हो ना वो लंदन ब्रिज है जिसको, और ये टावर ब्रिज है। तो लोग इसमें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हैं, ये वाला लंदन ब्रिज है, ये वाला टावर ब्रिज है जिसमें कि हम हैं अभी। इसमें दोनों में कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा होती है लोगों को, ठीक है। तो और सेकंड पॉइंट जो मैं बता रहा था कि ये जो सिटी क्रूज़ है और लंदन उबर बोट्स जो है ये यहाँ से लंदन आई है जगह जगह। ये एक्चुअल में कम्यूट के लिए ही है, जैसे कि बस होती है, ट्रेन वगैरह होती है, सेम थिंग है। बट लोग इसको आजकल एंटरटेन पर्पस के लिए ज़्यादा यूज़ करते हैं, बट लोग यहाँ से कम्यूट के लिए भी वन प्लेस टू अनदर प्लेस या उसके लिए कम्यूट के लिए यूज़ करते थे, बेसिकली यूज़ करते भी हैं अभी भी। बाइक करने के बाद यहाँ से ऊपर जाने का रास्ता है एक्चुअल में, मैंने वो गलत बताया था। ये अभी बंद है किसी रीज़न से, मे बी सेलिब्रेशंस की वजह से, क्रिसमस की वजह से। सो ये बंद है और अंदर स्टेयर्स है। मेरा पुराना वीडियो देख लेना, इसमें बना हुआ है पूरा स्टेयर्स ये। और ये तो वो वहाँ से आके ये टावर ब्रिज के नीचे क्या बोलते हैं अंडरग्राउंड वाला रास्ता है, टू क्रॉस दैट वे और दिस वे। और ये लंदन के कबूतर मोटे मोटे से, कैरमल, पीनट, और यहाँ से जाके फिर आप क्रॉस कर सकते हो इस तरीके से। ये बना हुआ है रास्ता, पाथवे। यहाँ पे भी कैसल है एक, और यहाँ पे रखी हुई है दो। टावर ब्रिज का साइड से, मतलब वहाँ पे थे हम अभी, वहाँ से ऐसे क्रॉस करके ये अंडरपास बना हुआ है और यहाँ से क्रॉस कर सकते हैं। मतलब इस साइड आना है और सेम ऐसे ही उस साइड भी बना हुआ है अगर आपको वहाँ जाना है तो। वो वाला व्यू पे वो बोर्ड जाता है, मतलब वहाँ से टिकट वगैरह लेके। ये यहाँ पे डेकोरेशन हो रखा है कैसल के सामने, और सामने ही टावर ऑफ लंदन शॉप। यहाँ से क्रिसमस के लिए तो अभी काफ़ी सारी डेकोरेशंस वगैरह लगी हुई है। यहाँ से जाके टिकट्स वगैरह लेना है ऊपर बोट के लिए, या दूसरा कौन सा बोट है यार, नाम ही याद नहीं आ रहा, चलो जाने दो। अबे साले, यहाँ से टिकट वगैरह मिलेगा और फिर यहाँ से जाना है। सो टिकट एंड प्राइसेस यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ से जाते हुए ग्रीनविच, टावर पियर, वेस्टमिंस्टर और लंदन पियर, लंदन आई पियर, और ये है प्राइसेस। तो यहाँ से टोटल पैकेज टावर ब्रिज से लंदन आई तक का, प्लस में ऊपर जाने तक का जो लंदन आई पे चढ़ के देखने का है, वो है 51 पाउंड्स का कुछ मिला है। और यहाँ पे स्टूडेंट डिस्काउंट कुछ देते नहीं है, सो इस वजह से 51 पाउंड्स का। और 3:15 का यहाँ से उबर नहीं, सिटी क्रूज़ है, और जाना है 4 o'clock पे शायद से ऊपर जाएंगे। तो ये टिकट वगैरह कंफर्म किया है। टावर ब्रिज के साइड से ही ये कितना प्यारा इन्होंने रेस्टोरेंट या कुजीन वगैरह जो भी बना रखा है, कितना अच्छा लग रहा है भाई। मतलब अंदर देखो, क्या ही डेट वगैरह के लिए कितना शानदार वो है, कितना मस्त व्यू है टावर ब्रिज के सामने। आप किसी को डेट पे लेके आते हो, कितना अच्छा सीन होगा। ये बना हुआ है पाथवे जाने के लिए। सिटी क्रूज और उबर बोट दो ही चलती है। That's the city cruise, हम लोग इसी पे जाएंगे। बोर्डिंग पॉइंट यहाँ पे वेट करना है, लेट्स सी कौन सा क्रूज आता है। तो हमारा सिटी क्रूज आ चुका है, और यहाँ से हम स्ट्रेट लंदन आई पे जाने वाले हैं। सो मिलते हैं आपसे लंदन आई पे। और बीच बीच में ये हम लोगों को एक्सप्लेन करते रहते हैं कौन सी साइट सीइंग कौन सी है। बिग बैन वगैरह भी आता है साथ के साथ, जिसको लंदन हिस्ट्री के बारे में भी थोड़ा बहुत जानना है वो भी आके एंजॉय कर सकता है इन सब चीज़ों में। सिटी क्रूज़ में एंट्री कर रहे हैं, सिटी क्रूज़ में भाई हम तो ऊपर बैठेंगे। ओहो, यहाँ पे ड्रिंक्स वगैरह भी ऑर्डर कर सकते हैं। सो ये है सिटी क्रूज, सब लोग बैठे हुए हैं और ओए सब लोग देख रहे हैं कैमरे में। वेरी नाइस कि ये पूरा सिटी क्रूज। ये अनाउंसमेंट भी करते रहते हैं, और शायद के साथ ये लोग चीजें भी बताते रहते हैं कि क्या क्या आने वाला है साइड। Safety symbols, different flavors of your problems just to savor. I've got my own issues, I need a comb to get through. Don't need to groan with you, just go get your own tissue. I feel like I'm losing my mind. You guys would prefer London's biggest observation well in the world. It's the London Eye. Now the London Eye, it was put here in London in the year 2000 by British Airways, and it was only meant to be here for a couple of years, but due to its financial success, the London Eye is now here to stay. On a clear sunny day, it's all Big Ben, but in fact it's not called Big Ben. Big Ben is the bell, the 13-ton bell that you cannot see inside the engine. So as you can see, the captain is slowly making his approach in. Now if I can ask all passengers to please remain seated or hold on to a handrail just about slowly. यार इस बार इन्होंने हम लोगों को लास्ट टाइम में आया था तो लंदन आई के वहाँ पे ड्रॉप किया था। अभी जो है सर्विस कम है ना इन लोगों की, तो इन्होंने हम लोगों को यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। अब हम लोग को वॉक करके उस ब्रिज से या फिर इस वाले ब्रिज से क्रॉस करके लंदन आई के लिए वहाँ पे जाना पड़ेगा। ये देखो भाई बिग बैन के सामने कितना ज़्यादा रश है। आज से पहले इतनी भीड़ मैंने कभी नहीं देखी भाई बिग बैन में, इतनी ज़्यादा भीड़ है ना क्या ही बताऊँ मैं। मे भी क्रिसमस की वजह से सब लोग सेलिब्रेट करने आए हैं, इतना ज़्यादा वायरस वगैरह भी बढ़ रहा है, लेकिन सबके सब घूमने आए हुए हैं। यहाँ पे ये इस तरीके का गेम वगैरह कुछ चलता रहता है, ये लोग तुरंत ही कैश प्राइस देते रहते हैं। ये देखो सिर्फ यहाँ पे कैश प्राइस देना है। ए नो फोटो ये कुछ किसमें बॉल है वो बताना है, और आपको कितना प्राइस मिलता है भाई? Bro. Yes. How much is the cash price? Yes. Hey, how much is the cash price? Oh, okay, bye. ये आ गए सामने लंदन आए। आज तो काफी ज्यादा रश है, कहीं कहीं पे। टावर ब्रिज पे बिल्कुल रश नहीं था, यहाँ पे ज्यादा ही रश है। आज तो ये भी बंद है मेरे ख्याल से, सब कुछ बंद है। लोगों को एंट्री मिला है फास्ट ट्रैक एंट्रेंस से, यहाँ से आके वो हम लोगों को फास्ट ट्रैक एंट्री के थ्रू एंट्री मिल गया। अभी देखो कितनी, मतलब बहुत ज्यादा रश है और एंट्री में भी बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है। तो ये जा रहे हैं इसके अंदर, हम लोग जा रहे हैं अंदर। इतने सारे लोग, कितने, कम से कम 20 से 25 लोग एक बंकर या जो भी बोल लो इसको। तो ये अभी आ रहा है इतना व्यू, अभी तो हम और ऊपर तक जाएंगे। यहाँ से व्यू देखो, क्या ही खतरनाक व्यू आता है भाई साहब। ये पूरा लंदन का व्यू यहाँ से देख सकते हो आप। So फाइनली ट्रिप हो गया खत्म। चलते चलते उतरना पड़ेगा हमें, चलते चलते उतरो। तो आज का मॉर्निंग का ट्रिप, मतलब लंदन ट्रिप करने के बाद हम लोग आए पिकाडिली सर्कस। रीजेंट स्ट्रीट पे काफ़ी अच्छी डेकोरेशन वगैरह हो रखी है। मैं थोड़ा सा व्यू आपको दिखाता हूँ। तो रीजेंट स्ट्रीट पे ही सामने ही, अगर रीजेंट स्ट्रीट का स्टेशन पे आओगे या फिर पिकाडिली का भी एक मतलब स्पेशल बस स्टॉप है। यहाँ पे भी लोग काफ़ी ज़्यादा आते हैं, फोटो क्लिक करते हैं। और यहाँ पे मतलब अंडरग्राउंड स्टेशन भी है। और दिस इज माय लोकेशन। और यहाँ पे चल रहा है पेंटिंग की। और यहाँ पे क्लब के लिए लोग लाइन लगाते हुए। ओके, तो किसी को अगर चाइना टाउन घूमना है तो वो लेस्टर स्क्वायर स्टेशन पे उतर के राइट साइड पे, मतलब इस साइड पे जाके, ये देखो यहाँ पे बोर्ड भी लगा है चाइना टाउन। और मैं भी फर्स्ट टाइम ही आया हूँ यहाँ पे चाइना टाउन और लेस्टर स्क्वायर। मतलब पहले ट्रफलगर स्क्वायर वगैरह तो आया था, बट इतना टाइम मैंने स्पेंड नहीं किया था यहाँ पे। देखो डायरेक्ट बस है ट्रफलगर स्क्वायर की, और ये लेस्टर स्क्वायर स्टेशन अंडरग्राउंड। बाकी बंद तो हो ही गया है, अभी सबको ही पता है। और ये रहा चाइना टाउन का। ये है पिकाडिली सर्कस से मतलब थोड़ा सा आगे लेस्टर स्क्वायर के पास में काफ़ी सारी लोग भीड़ जमा हुई थी, काफ़ी सारी सिक्योरिटी है यहाँ पे। और फिर उसके बाद मतलब लोगों ने थोड़ा बहुत यहाँ पे इन्जॉय किया, सॉन्ग्स वगैरह प्ले कर रहे थे। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा रश हुआ था और फिर क्या सेलिब्रेशन वगैरह ख़त्म हो गई। क्लब वगैरह खुले हुए हैं काफ़ी सारे, बट क्लब वगैरह तो मतलब नॉट माई थिंग, तो मतलब जाना ही नहीं है। तो क्लब वगैरह जाना नहीं है, ड्रिंक वगैरह करना नहीं है, और काफ़ी सारी सिक्योरिटी भी यहाँ पे है। तो आज की ब्लॉग के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।